हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? सो लास्ट ब्लॉग आपने हमारा देखा था कि हम गए थे ट्रैम्पलिन पार्क रोहिणी। सो आज का हमारा कोई प्लान नहीं था। आज है संडे और ऐसे ही बैठे बैठे हस्बैंड ने कहा चलो मूवी देख के आते हैं, क्योंकि जब से अनायशा हुई है तो हमने मूवी देखने हम मतलब गए नहीं है, क्योंकि अनायशा का रहता है कि शोर करेगी, पता नहीं देखने देगी कि नहीं। सो आज सोचा कि ट्राई करते हैं, और सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था और लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक हुई है और हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट साथ में लाई हूँ। तो पहले बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल चुके हैं हम आपको, और हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप नाम सुन के बोलोगे कि इतने टाइम के बाद देखने जा रहे हो, बट ठीक है, हम देखने जा रहे हैं पठान। तो देखते हैं कैसी लगती है हमें। क्यों, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? कुछ नहीं, हंसी इसलिए आ रही है कि इतने टाइम बाद पठान दिखाने लेके जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया ने देख ली है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि ये लोग भी सोचेंगे कि अब जा रहे हैं। सो हम एक ट्राई कर रहे हैं कि अनायशा के साथ क्या हम थिएटर में बैठ के शांति से मूवी देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। और हम देखिए, अनायशा के साथ तो हम कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के शांति से कुछ भी नहीं देख सकते। ये बात तो सच है, है ना? है ना? कितनी ऑनेस्ट है। चलो भाई, मुझे भूख लगी, सबने ब्रेकफास्ट किया, मतलब इतने शांति से बैठे हुए हैं, है ना? तो मैं अपना ब्रेकफास्ट आज कार में करूंगी, ठीक है? खाए तो ब्रेकफास्ट में है ये आलू गोभी की सब्जी, और मैंने रोटी बनाई क्योंकि मुझे था कि पराठा नहीं खाना है। ऐना नहीं, मेरे कपड़ों पर ड्रेस पे लग जाएगी। रखो स्पून। ऐना ने भी नहीं खाना खाया सही से। नहीं खाया इसने। चलो हाँ ठीक है, तो ऐना और मैं खाएंगे, है ना? ऐना मैं खा लेती हूँ, उससे पहले के नशा मेरी ड्रेस पे ये गिर दे। और ये क्या था ना, अभी सब्जी के अंदर गिरती मैं, अभी गिर गए थे ना हम। ये किसके लिए है ना? ऐना ने नीचे से उठाया, टिश्यू पेपर ले ले अंदर से, है ना? देखिए भैया झूठ बोल रहे हैं। हाँ गंदा होगा, आपने नहीं करा। चलो देखो, फूल के चक्कर में हाथ खराब कर लिए भैया को। अच्छा चलो, क्या जल्दी करो, हम हो गए हैं लेट। हाँ हाँ चलो, ऐना को लगी जल्दी। कितने बजे की टिकट? अच्छा स्टार्ट हो चुकी है, हम आए हैं सत्यम। मैं कहूँ पापा वहाँ लेके जा रहे सुभाष नगर, ऐसे थोड़ी बैठना है। चलो चल चल चल, कम मुझे लगता है हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। सुंदर है बेटा, अंदर शोर भी अलाउड नहीं है, सुंदर तो है। अंधेरा चार मिनट में जाना इसको, और इस तरह तीन जोकर। गाइस अभी हुआ है इंटरवल, है ना? ऐना ने मूवी देखा। ऐना वैसे इतना तंग नहीं करी, थोड़ा बहुत तो मतलब बच्चा करता ही है, चेयर से उठ के यहाँ वहाँ जाना, बट अदरवाइज अभी तक तो नहीं कर रही है। तो है ना, मजा आ रहा है, अमेजिंग। नकल उतार रही है। पॉपकॉर्न एंजॉय किया जा रहा है, इतनी शर्म नहीं है कि मुझे पूछ लिया जाए। शुक्र है मेरा बेटा ये तो मेरी जान है। थैंक यू, थैंक यू आर्य। पूछ लिया ना, कोई बात नहीं, ऑन कैमरा कैप्चर हो गए। कुछ खाने? क्या खाना? अन्ना को ठंड लगने लगी है भैया, ठंड लगने लगी। गाइस इतनी मस्त मूवी थी, उसका जो लास्ट पार्ट था जहाँ पे वो नीचे खाई में गिरे थे वहाँ पे थोड़े से आंसू आ गए। अब ठीक है, आपको क्या फीलिंग आई मम्मा? बहुत टाइम बाद देखी तो नहीं, अनायशा इतना तंग नहीं किया। लास्ट में 15-20 मिनट उसको मोबाइल देना पड़ा, बट अच्छा वही लेकर आई थी।
चलो माँ आपकी फीलिंग क्या कैसी रही? पठान आए को लगी है भूख, खा रहे खा रहे चिकन फ्राइड राइस। ये डाल दिया और इसमें बहुत मिर्ची। मैंने मना किया था ना मिर्ची मत डालना, और ऐना से फ्रूटी जूस पे एक मिनट का कुछ लग गया क्या कैमरे पे? बहुत थोड़ा क्लीन कर। कैसा है शिवा, टेस्टी है? मिर्ची की वजह से अभी गरम गरम है ना, यहाँ पे अभी खा लो जल्दी, फिर देखते दादी हाउस जाएंगे ना। ऐना ने नहीं खाना शिवा, उसका मत पीते, हम और बॉटल ले लेंगे। देख उसको शिवा मत कर, मत कर, अभी हम और दूसरी बॉटल ले लेंगे, खा ले फटाफट ना, फिर चलते हैं। सो गाइस मूवी हमारी बहुत अच्छी रही, और ऐना ने भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। ऐना तंग नहीं किया ना? लास्ट के 15-20 मिनट थोड़े से वो हो रही थी, थोड़ी क्रैंकी सी, तो मोबाइल ले लिया था इसने और म्यूट करके वीडियो देखती रही थी। अच्छा लगा शिवा मूवी कैसी लगी? बहुत मस्त गाइस, मतलब ऐसा लग रहा था 3D है पर विदाउट ग्लासेस। कौन सा सीन लगा इसको 3D? सारे सीन। अच्छा चलो, वैसे बहुत मजा आया, मूवी बहुत बढ़िया रही और काफी टाइम बाद भी देखे। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट था ना रायशा के साथ की मूवी देखने नहीं देगी या देगी, वो सक्सेसफुल रहा, तो अब हम मूवी देखने आ सकते हैं। मुझसे ज्यादा इनको शौक है मूवीज का, मुझे इतना नहीं है वैसे, बट मजा आया। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? दादी पाच। चलो देखो है ना, अपनी दादी हाउस आ गई है और मैं दीदी के साथ एंजॉय कर रही है। अपनी दीदी से चाय एंजॉय कर रही है, मच्छी, और ये तीन बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं पी रहे हैं एंजॉय कर, और वो बेचारी पढ़ाई कर रही है, मेहनती बच्ची। पढ़ो पढ़ो शिवा। है ना चाय किसने बनाई? दीदी ने बनाई, किचन में तो आप भी थे। ऐनू ने बनाई है चाय? ऐनू ने बनाई। मैंने नहीं बनाई। दिखाओ दीदी क्या कर रही है, दिखाना। वाओ हेयर स्टाइल, जल्दी से बनाओ फिर देखेंगे ना कैसी लग रही है। ओके तो गाइस अभी हम आए हैं अपने घर, मतलब बच्चों के दादी के घर, और ये हमारा सेट था, पहले हम यहाँ रहते थे, तो अभी उत्तम नगर, अभी हम प्लान कर रहे हैं वापस यहीं शिफ्ट होने का। तो हमने यहाँ पे कुछ काम स्टार्ट किया था जो कि अभी हमने बंद किया, और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं शादी करके सबसे पहले इसी घर में आई थी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये घर है जहाँ पे मैं शिफ्ट होकर आई थी, ये हमारा बेडरूम। तो अभी तो यहाँ पे मतलब सामान पड़ा हुआ है, अभी सब हम तोड़ के नया बनाने की सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ मैं सबसे पहले शादी करके आई थी, और एक इधर है इतना बड़ा हॉल, ये सब अब काफी टाइम से पड़ा हुआ है, उसकी क्लीनिंग होगी, फिर ये पूरा न्यू कंस्ट्रक्ट होगा। तो एक रूम इधर है, और इधर वॉशरूम, ये बाहर का गली का मतलब रास्ता है, और ये लॉबी, इधर किचन है, ये अभी मैं ओपन करती हूँ, इसकी चाबी मम्मी के पास है, और एक रूम ये है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू ऐसे करके। सबसे पहले तो ये गेट ओपन करते हैं ताकि थोड़ी हवा भी आए इधर से, यहाँ पे काफी धूल मिट्टी और जाले है। आ रहे से बस झाड़ू मंगवाया है, अभी आ गया, मिल गया, मत कर आ रहे देना दे। सबसे पहले तो ये किचन का लॉक खोलती हूँ मैं ना, ये ले, ये है हमारी किचन, जो कि अब भी हम इसको किचन नहीं बनाएंगे, अभी ओपन करते हैं। दो यहाँ पे भी ना, यहाँ पर भी स्टॉक पड़ा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर भी ना स्टॉक रखा हुआ है, देखो पूरा किचन में ना, अभी कुछ अभी किचन तो लगी नहीं रही कहीं से ये ना। चलो मैं यहाँ सेटिंग करती थी, स्टोर रूम में, हाँ हाँ मैं यहाँ सेटिंग करती हूँ। उफ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, उस दिन कुछ दिन पहले आई थी, थोड़ा सा यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर गई थी, उठाया नहीं था, काफी अंधेरा हो गया था, तो अभी करते हैं। ये कूलर पड़ा है, इसे भी बाहर निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, ये ना सब रद्दी में जाएगा, ये खाली है शायद ना, ये देखना खाली है शायद रद्दी में जाएगा। चिड़ू चिड़ू जा रहे, ये क्या करना है? जो, तो गाइस मॉइस्चर ऊपर तक आ चुके छत के, और यहाँ पे अभी ये देखो पापा की ताकत। शिवा ये उठाना, ये मेरे को बैंड नहीं होना, मैं पापा ने कहा छोड़ दो, बंद कर दो।
तो गाइस छोटा मोटा ज्यादा सफाई नहीं करी, थोड़ी बहुत करी है। तो हम निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि बहुत रात हो गई है। तो अभी हम निकलते हैं घर। ये देखो शीशा भी कितना गंदा हो रखा है, बट सब कुछ टूट फूटे होगा। तो अभी हम निकलते हैं, किचन लॉक हो गई है। ओके नाइस, हम चलते हैं। यार आ रहे भी शॉर्ट्स लेके जानी थी। चलो देखते। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दादा दी के घर से। भूख मुझे लग रही है। और ये रही मेरी मम्मा, दोनों के दोनों ना के रेडी हो चुके हैं। बेटा इतनी धूप मिट्टी में हम काम करके आए हैं और वहां पर ज्यादा शूट नहीं किया क्योंकि इतना डस्ट हो गया था और काम में इतना बिजी हो गए थे कि याद नहीं रहा। और अब हो गए रात के 11 बजे हैं, अस्थि पंजा टूटे हैं और पापा के अस्थि पंजा टूट चुके हैं। काम करने की आदत नहीं है ना। नहीं पर मैंने बहुत काम किया है। तो हम ब्लॉग को शिवाजी यहीं एंड करेंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। रात के बज रहे 11 और हम करेंगे अब सोने की तैयारी। हम नहीं तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। क्या बोल रही है? टांग में दर्द। इसके हाँ इसने बहुत काम किया, इसके टांग में दर्द हो रहा है। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट।